अपने शो जिसका नाम है कॉमेडी नाइट बचाओ। कृष्णा कितने कसके पकड़ा उसके दांत बाहर आ गए देखो। पहली बार मैंने शॉर्ट ड्रेस में खरगोश देखा है। लेकिन एक बात है, कृष्णा सच्चा इंसान है। बंदे को अपना लेवल पता होता है कि वो क्या है। वो आर्टिस्ट नहीं है, वो ऑडियंस है। देखो उधर ही बैठा हुआ है। अबे छोड़। अरे कब तक मटन की दुकान के साथ काम करूंगा मैं। देख पाया सूप। ये देख, एक बाजू में गोश, दूसरे बाजू में खरगोश। तेरे को पता है आज मीडिया से बड़े बड़े रिपोर्टर्स आ रहे हैं, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए। अरे मीडिया से ही रिपोर्टर आते हैं। एक मिनट, बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर आ रहे हैं। अरे हाँ, पर हमारे शो में तो किसी का टॉप गिरा ही नहीं। अरे बहुत बड़े बड़े मतलब महान रिपोर्टर्स, ऐसा हाँ लिख के दिया था कि महान बोलना। कौन महान? पता ही राइटर बोल रहा था, महान रिपोर्टर्स आ रहे हैं। आ जा तेरे को दिखाते हैं कौन कौन आने वाले हैं। दिखाओ जरा। इंडियन टेलीविजन पे मीडिया के महान लोग आज नाच रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, इसे कहते हैं सच्ची सेलिब्रिटी। अभी का देखो कितनी बड़ी सेलिब्रिटी अपनी रिपोर्टर लेके घूम रही है। कि मैं कहीं भी बैठूंगी आप न्यूज बना देना, मैं कहीं भी कुछ करूंगी आप मेरा इंटरव्यू ले लेना। और गौर से पहचानिए इस शख्स को। ये वही है जो ऐसे कर करके लोगों की आंखें फोड़ता है। सर नहीं, मेरी कभी नहीं फोड़ी सर। लेकिन एक बात बोलूं। बोलो। यहाँ पे तीन तीन मीडिया से लोग हैं, लेकिन सर दिल से बोल रही हूँ, सबसे ज्यादा आपकी दाढ़ी के बाल हैं। अरे दाढ़ी इसको कहते हैं, दाढ़ी है तो दाढ़ा है, दाढ़ा। लेकिन सर कमाल होते, मैं आप लोगों को श्रीवर्धन जी के बारे में बताऊं कि 11 साल से ये शो कर, 11 साल अभी हो जाएंगे और 4,500 एपिसोड कर चुके हैं। और कमाल का मतलब सर आपकी सैलरी। गौर से पहचानी शातिर चेहरे को, चैन से सोना है। सन्नाटे को चीरती हुई, सन्नाटे को चीरती हुई। सर आप इतना चीरते हैं, कभी शेविंग क्रीम का पैकेट चीरिए, कभी शेविंग बनाइए सर। क्या पता सर अंदर से एक हैंडसम आदमी बाहर आए, गोगा कपूर के अंदर से रणबीर कपूर बाहर आए। सर हम चाहते हैं एक बार आप बोल के बताएं। सन्नाटे को चीरती सनसनी, सन्न कर देती है इंसान को। सन्नाटों को चीरती सनसनी, सन्न कर देती है इंसान को। मुजरिम को खबरदार करना हमारा फर्ज। नहीं सर, मैंने एक बार मम्मी के सामने किया था, इतनी जोर से डंडा मारना, ये सन्न कर रहा है। क्या बात है, ये तो ऐसे लग रहा है कि मतलब उतनी लड़की का बाप ही है। मतलब जो ऐसे गेट पे खड़े होते हैं, यार मिलनी के कंबल आए कि नहीं। मतलब आपसे रिपोर्टर लगते ही नहीं, आपको पता है। इतने मतलब खूंखार रिपोर्टर, बहुत लोग डरते हैं आपसे। शम, क्या नाम है आपका सर? सर बोलिए ना सर। शम स्टाइल खान। क्या शम स्टाइल खान? और मेरे को बताइए सर, जब भी आप न्यूज दे रहे होते हैं तो आप ऐसे ऐसे करके कौन सी लड़की को बुलाते हैं? आइए आपको हम दिखाते हैं। सर आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। आजकल खबरों में हेडलाइंस जो है वह इंटॉलरेंस है। यहाँ आके लगता है कि कॉमेडी नाइट बचाओ की सख्त जरूरत है, बचा के रखना चाहिए ताकि लोग हंसे। हाँ जी सर, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए कृष्णा, सुदेश और अदा के लिए। तो भारती जी कहाँ चले, शो आगे बढ़ाते हैं। हाँ। और शो के एंड में जो इनके
बाबूजी हमेशा कहते हैं कि एक हाथ लो और एक हाथ दो। तो सर हमने तो आपको दे दिया, अब आपकी देने की बारी है। आइए जरा सर और अभी थोड़ा स्वागत कर दीजिए। सन्नाटे को चीरती सनसनी, सन्नाटे को चीरती सनसनी। मेरी सनसनी तो भैया हमेशा चीरती रहेगी ऐसे ही। अगर सुकून से रहना है तो गलत काम करना बंद कर दो, ठीक है, वरना मेरी सनसनी हर वक्त देती रहेगी दस्तक। सुदेश जी आप आए, चाय वाले बने, चाय वाले के बारे में किस्सा भी सुनाया आपने, देश जानता भी है। मुझे लगता है आपको अमृतसर के मेले में जाके पिछवाड़े पे अगर जैम लगा के आप बंदर बात करते तो ज्यादा। बहुत अच्छा, आप सभी तमाम लोगों का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। और जनरली हम लोग क्राइम के हैं तो टीवी पे हंसने का मौका नहीं मिलता है, क्राइम रिपोर्टर को बुरी बुरी खबरें दिखाते हैं, हंसेंगे तो लोग गाली देंगे भगा देंगे। आज पहली बार खुल के इतना हंसने का मौका मिला, इस सबके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनीता जी आप सबसे डाउन टू वाटर है, आई मीन डाउन टू अर्थ तो होता ही है, लेकिन आपने जितनी भी फिल्में की सारी डूब गई तो डाउन टू वाटर सही। भारती जी की बात है जी। एक बार मैं बाबा रामदेव के योग शिविर को कवर करने गया था जी। वहाँ देखा तो भारती भी वहाँ बैठी हुई थी। अनुलोम विलोम शुरू होना था, पहली सांस जैसे इन्होंने ली तीन लोग वहाँ से लापता हो गए योग शिविर से। बाबा रामदेव तक इस हादसे की जानकारी गई, नाराज हुए बाबा, उन्होंने सीधे सीधे हिदायत दी कि भाई आप मत आया करना शिविर में, वरना लोग जो भक्त हैं उनके वो कम हो जाएंगे। और से देखिए चुलबुली हसीना को जिसका नाम है भारती। अब भारती के बारे में क्या कहें, भारती जब सड़क पर चलती हैं तो इनको आते जाते देख करके लड़के जो हैं वो भी रास्ता छोड़ देते हैं, ठीक है। और लड़के तो छोड़ो, सांड भी रास्ता छोड़ देते हैं। ये सोचकर छोड़ देते हैं कि रहने दो, इससे ज्यादा अच्छे शेप में तो मेरी गाय है। तो अभी चांद का एक टुकड़ा हो तुम, मुंह पर बहुत दाग मिल जाएंगे, मोटी हो इतनी कि जब तुम चलो सड़क क्या है पुल तक भी हिल जाएंगे, रिक्शा तुम्हें देख रोने लगे, टैक्सी भी आंखें भिगोने लगे, तब तुम मेरे पास आना भारती, पीछे ठेला खड़ा है खड़ा ही रहेगा तुम्हारे लिए। श्रुति जी ज्यादा हंसिए मत आप ही के बारे में, आपकी फिगर मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल साइज जीरो, बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस भी आपकी फिगर की तरह साइज। चलिए जोरदार तालियां हो जाए हमारे गेस्ट के लिए। और से देखिए शख्स को जो लोगों को हंसा हंसा कर उनकी बत्तीसियां बाहर करवा देता है और फिर उन्हीं बत्तीसियों को इकट्ठा करके किसी डेंटिस्ट के पास जाकर बेच देता है। आप रख लीजिए और फिर दुनिया को कहता है कि मैंने गोविंदा को मामा रखा हुआ है। आज मैं करण भाई हूँ, मजा आया आप लोगों को? ऐसे ही मजे और मस्ती के साथ हम आपको फिर मिलेंगे ओनली ऑन कॉमेडी नाइट्स। बचाओ।